राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा महम चौबीसी के खेड़ी महम गांव पहुंचे, जहां उन्होंने चौपाल का शिलान्यास किया और सांसद निधि से 22 लाख रुपए जारी किए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व मंत्री आनंद सिंह, डॉक्टर कृष्ण कुमार लांबा का पगड़ी पहनाकर ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है और वहीं उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना से युवा हताश है। हुड्डा ने 2024 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद जताई। पूरे गांव की छत्तीस बिरादरी कमेटी की तरफ से मान निवेदन करता हूं। खेड़ी गांव की पुरानी चौपाल है, उसके पुनर्निर्माण की शुरुआत का कार्यक्रम था, मगर इसके साथ साथ दो बातें हम कहना चाहते हैं सरकार से। पहली बात तो ये है कि जो बिजली के बिल, जो बिजली का सरकार ने 52 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का काम किया है, ये फैसला सरकार वापस ले, क्योंकि ये सरासर हरियाणा के उपभोक्ता के साथ नाइंसाफी है। एक और तो हमारी सरकार के समय एक उद्योगपति समूह से 2.94 रुपये का 25 साल तक का समझौता हुआ था अदानी ग्रुप से। बीच में अदानी ग्रुप ने बंद कर दी हरियाणा में बिजली देनी, और सरकार ने 11 रुपये यूनिट तक की बिजली बाहर से खरीदनी पड़ी, और आज उपभोक्ता पे उसका जो है सारा बोझ पड़ रहा है। किसी उद्योगपति समूह को फ़ायदा पहुँचाने की बजाय हरियाणा के उपभोक्ता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार का राजधर्म होता है। तो इसीलिए हमारी मांग है कि ये जो बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं, ये ना बढ़ाए जाएँ।